ये देखो ये सारे लोग स्नान कर रहे हैं और फिर यहाँ पे स्नान करेंगे। अभी तो फिलहाल कावर का टाइम नहीं है, बट 22 तारीख से स्टार्ट होगी, लेकिन अपन लोग उससे पहले का झलक आपको दिखा रहे हैं। प्लस इधर वहां से गंगा जल उठाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं सारे लोग। इधर देख रहे हो टेंट कितना भयानक, कितना मस्त वाला टेंट लग रहा है सारे तरफ, मतलब। तो जय श्री राम गाइस। और अभी देख सकते हो अभी अपन लोग सुल्तानगंज आ चुके हैं और यहाँ पे गंगा जी में सारे लोग स्नान कर रहे हैं। प्लस यहाँ से ना कावर में लोग जल उठाते हैं और फिर देवघर लेके जाते हैं। तो मैं अभी यहाँ का कुछ व्यू दिखाता हूँ। प्लस अपन लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस तय करके आए हैं तो थोड़ा बहुत थकावन है, बट मैं आपको अभी व्यू दिखाता हूँ इधर का। तो फाइनली गाइस अभी अपन लोग आ चुके सुल्तानगंज और फिर यहाँ पे देख सकते हो गंगा जी की तरफ अपन लोग गंगा जी के घाट पे हैं। और फिर यहाँ पे सारे लोग जो भी आते हैं ना वो यहीं से जल उठाते हैं गंगा जल, और फिर यहाँ से देवघर की तरफ प्रस्थान करते हैं, वहाँ पे चढ़ाते हैं जल को। तो अभी तो अपन लोग सुल्तानगंज आ चुके हैं और फिर यहाँ से भी अपन आप लोगों को सारा कुछ रिवील करते हुए सारा कुछ दिखाएंगे, कहाँ से कैसे जल उठाते हैं और फिर कैसे किस तरफ से कहाँ से किस रूट से जाते हैं देवघर। तो चलो वीडियो में बने रहना गाइस, तो अभी चलते हैं स्टार्ट करते हैं। ये देखो बहुत सारे लोग नहा रहे हैं, प्लस नहाने के बाद सारे लोग उधर कावर दिख रहा है भाई, इधर तो कावर ही नहीं दिख रहा, उधर के साइड देखो कुछ कावर भी रखे हैं, प्लस कुछ लोग खाना पीना खा रहे हैं। तो यहाँ से जल उठाएंगे और फिर डायरेक्ट ये लोग निकलेंगे देवघर की तरफ। प्लस भीड़ देख रहे हो इधर का बहुत ज्यादा, प्लस बहुत सारे लोग नहा रहे हैं। हम भी सोच रहे हैं नहाए क्योंकि गंगा जी आए बहुत दिनों के बाद, तो नहाते क्योंकि हरिद्वार का ही नहाए हुए है ना गंगा जी, उसके बाद यहाँ भी अपन लोग नहाते हैं। बट यहाँ पे न्यू पानी है तो थोड़ा बहुत देख रहे हो बालू है पानी में, बट सही है, फिर भी गंगा जी हैं तो जल तो शुद्ध ही होता है। प्लस सारे लोग ये देखो ये सारे लोग स्नान कर रहे हैं और फिर यहाँ पे स्नान करेंगे। अभी तो फिलहाल कावर का टाइम नहीं है, बट 22 तारीख से स्टार्ट होगी, लेकिन अपन लोग उससे पहले का झलक आपको दिखा रहे हैं। प्लस इधर तो बहुत सारे लोग पूजा के लिए अभी पानी भी लेके जा रहे हैं गंगा जल। तो और भी देखो सारे लोग बैठे हुए, प्लस यहाँ पे और भी स्नान करते हैं कुछ लोग। प्लस फोटो ये सब जो भी होता है ना वहाँ पे फोटो ये सब सारे लोग लेवाते हैं और अपने पास रखते हैं। और फिर ये देखो यहाँ पे कावर जल यहाँ से जा रहा है, प्लस इधर कुछ लोग लेके जा रहे हैं अभी पैक करके, देख लो ऐसे जाता है कावर भाई, यहाँ से देवघर जाएंगे भाई 100 किलोमीटर के आसपास अराउंड होता है। प्लस मेरा फोन भी तो हिलता है यार काफी ज्यादा। और ये देखो इधर का कुछ ऐसा सीन है। सो अभी बस इधर से निकलेंगे देवघर की तरफ, प्लस और भी कैसे कैसे लोग लेके जाते हैं ना वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। ये देखो यहाँ पे पंडाल बन रहा है, यहाँ पे कुछ लोग श्रावणी मेला ऐसा इधर मेला लगता है, श्रावणी मेला 2024 जब 22 जुलाई को स्टार्ट होगी ना उस टाइम ये मेला स्टार्ट होगी। प्लस यहाँ पे सारे लोग बैठने वाले, प्लस कपड़ा सब जो भी होता है नहाते वहाते यहाँ पे रखते हैं सारा कुछ, कावर ही सब यहाँ पे रखते हैं और वहाँ से गंगा जल उठाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं सारे लोग। इधर देख रहे हो टेंट कितना भयानक, कितना मस्त वाला टेंट लग रहा है सारे तरफ, मतलब चारों तरफ पानी वानी मिलेगा, खाना पीना मिलेगा, जो भी कावर के लिए लेके आएंगे उनको सारा कुछ मिलेगा। फिर यहाँ से सारे लोग लेके और उधर की ओर बाहर की तरफ प्रस्थान करेंगे। और फिर ये देखो ये एक बोट है, शायद बोट ही है ना, बट उस पर जाओगे कैसे ये मेरे को नहीं पता, शायद ये साइड में आती होगी उसके बाद इस पर सारे लोग जाते होंगे। प्लस यहाँ पे और भी सारे लोग वीडियो इससे बना रहे हैं, देखो सामने के साइड ये हमारे साथ ही हैं MS के ब्लॉग। और प्लस वहाँ पे स्टोन देखो यार क्या ही मस्त लग रहा है। सो ये देखो इधर श्रावणी मेला लग रहा है इधर के साइड, ये देखो सामने के साइड जो कि 22 जुलाई को लग जाएगी पूरे अच्छे तरीके से। अभी थोड़ा टेंट वेंट का काम चल रहा है, बट परफेक्शन होने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगी। आज 16 है ना तो 6 दिन बाकी है, पूरे 5 दिन, छठा दिन मेला स्टार्ट। प्लस यहाँ से देखो एंट्री है नमी गंगा घाट, गंगे घाट।
और यहाँ पे ये अपना बाइक रहा। सो अभी अपन लोग अंदर की तरफ जाते हैं, नहाते हैं गंगा जल में, गंगा जी में, क्योंकि काफ़ी दिनों से गंगा जी में नहीं नहाए ना, हरिद्वार का नहाए हुए हैं। नहाते उसके बाद यहाँ से निकलते हैं और फिर आपको सारा ईच एंड एवरीथिंग हर कुछ आपको दिखाएंगे गाइज। सो गाइज देखो यार, कुछ लोग कावर लेके जा रहे हैं अभी, प्लस ये लोग देखो गंगा जल लेके जा रहे हैं कुछ लोग, और प्लस उधर की साइड देखो श्रावणी मेला लगी है। गंगा जल लेके जा रहे हो आप? ठीक है, ये देखो ये भैया जी लेके जा रहे हैं गंगा जल, और इधर की साइड देखो सारा गंगा जल डालने के लिए ना ये डब्बा है, सारा लोग गंगा जल इसी में लेके जाते हैं। और इधर के साइड श्रावणी मेला लगी है, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसा लग रहा है अभी मेला। प्लस यहाँ पे देखो टेंट वाले जो भी काम करने वाले हैं ना, सारे लोग यहाँ से हैं, और ये कुछ लाइट है बॉटल टाइप का, और ये देखो इधर है श्रावणी मेला, इधर ही श्रावणी मेला लगने वाली है। 22 तारीख से स्टार्टिंग है ना भैया? 22 तारीख से स्टार्टिंग है। प्लस ये देखो टेंट वाले सारा कुछ लेके आए वॉशरूम का, प्लस वो देखो त्रिशूल शंकर जी का, हर हर महादेव, और ये कुछ लोग कावर लेके जा रहे हैं अभी, अभी से ही जा रहे हैं भाई, 22 तारीख से स्टार्ट है ना। तो चलो कोई ना, बस वीडियो में बने रहना गाइस, जो भी आपको दिखाएंगे एकदम जेन्यून दिखाएंगे, प्लस आपको हर अपडेट देते रहेंगे गाइस कावर के बारे में हर कुछ, प्लस किधर के साइड ये लोग जाएंगे ना वो भी हम लोग आपको बताएंगे प्लस दिखाएंगे भी। तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ये लोग तय करने वाले हैं। तो गाइस आप लोगों ने देखा ना, आप लोग गंगा जल कहाँ से उठानी है और फिर देवघर की तरफ लेके जानी है, आपको सारा कुछ इट्स एंड एवरीथिंग आपको सारा कुछ दिखा दिए, श्रावणी मेला भी दिखा दिए यहाँ पे लगने वाली है, जो कि 22 जुलाई को लगेगी श्रावणी मेला। सो अब सोच रहे हैं यहाँ पे वीडियो को एंड करेगा, सो प्लीज वीडियो को जो भी देख रहे हो ना, जो भी नए सब्सक्राइबर्स हो गए ना, सब्सक्राइब नहीं किए बिना सब्सक्राइब किए भी देख रहे हो गए, तो प्लीज गाइज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जितना हो सके उतना, वीडियो को गाइज शेयर कर देना। सो आपके लिए एक और नया न्यू वाला वीडियो लाने वाले बहुत ही मस्त वाली, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही न्यू अपडेट चाहिए तो भाई सब्सक्राइब तो बनता है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जय श्री राम गाइज, बाय बाय।